जबलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने थाना बरगी के अंतर्गत हुई सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों से छीना हुआ मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा घटना में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल, चाकू तथा चुराए हुए दो अन्य दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है श्रीमती सोनाली दुबे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर ग्रामीण की जुबानी पूरे मामले की कहानी। थाना बरगी अंतर्गत 22 अगस्त को जो है एक लूट का प्रकरण हमारे सामने आया था, जिसमें थाना प्रभारी महोदय के पास अजय विश्वकर्मा नामक व्यक्ति जो था उसने आकर ये खबर दिया था कि जब वो अपने क्षेत्र में अपने जीजाजी के घर से लौट रहा था, तब बरगी थाना अंतर्गत उसे तीन लड़कों ने रोका और चाकू उड़ाकर उसके साथ लूट कारित करी है, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पर्स में रखा हुआ पैसा और वो जो बाइक थी वो लेकर जो है लूट करके लोग भागे हैं। उक्त घटना पर जो है तत्काल तत्परता से जो है थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो है टीम का गठन किया गया था। SDOP जैसे आप जानते हैं बरगी हमारे नेमा साहब हैं, इन्होंने जिस टेक्निकल टीम को गठित किया गया था उस टेक्निकल टीम ने काफ़ी तत्परता से इसमें काम किया और जो मोबाइल चोरी हुआ था उस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, CCTV फुटेजेस के आधार पर हम लोगों को ये पता चला कि इसका पहला आरोपी जो है वो राजा है, जो कि माड़ोताल का रहने वाला था। उसको अरेस्ट करने पर बाकी जो दो अन्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जा सका। जब दोनों ही लोगों को राउंड अप करके पुलिस ने पूछताछ करी तो इसमें ये भी पता चला है कि जो राजा है वो पहले से नरसिंहपुर में भी लूट का आरोपी रहा है, जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं। और जो दो अन्य आरोपी थे वो यहीं पाटन क्षेत्र के रहने वाले थे, उन्होंने दो अन्य और जगह की लूट जो है वो हमारे सामने कबूल किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था एक हमारे संजीवनी नगर से एक स्कूटी जो है वो चोरी गई थी, जिसको रिकवर किया है पुलिस ने, और इसी तरह एक और बाइक जो है वो पुलिस ने रिकवर करी है इस घटना के अंतर्गत। ये जो मुख्य आरोपी है इसका नाम जो है वो देवेंद्र काछी है, ये माड़ोताल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला है। देखिए पुलिस के लिए हमेशा चोरी और लूट जो होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और जनता का विश्वास हासिल करना पुलिस का मेन मोटिव होता है। जब लूट की घटना होती है तो पुलिस के लिए इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि लूट कारित करके संबंधित व्यक्ति आपके क्षेत्र का था या नहीं था ये नहीं पता होता और वो कहाँ चला गया ये भी पता नहीं होता है, तो इस तरह के डिटेक्शन जो है वो हमेशा बहुत चैलेंजफुल होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने आज किसी भी घटना को अगर पकड़ा है या सही व्यक्तियों को आपने राउंड अप किया है तो हम आने वाली 100 घटनाओं को लूट की जो हमारे क्षेत्र में होती है हम उसे रोक सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं रास्ते पर या हाईवेज पर होने वाली लूट की, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी अपने गंतव्य पर जा रहा होता है और ऐसे में उसका एक लॉ एंड ऑर्डर पर फेथ होना चाहिए कि इस क्षेत्र से मैं सुरक्षित गुजर जाऊँगा। तो इसीलिए जो है ये एम्फेसिस रहता है कि हम जब भी पेट्रोलिंग करें, नाइट पेट्रोलिंग करें स्पेशली, इस बात का ध्यान रखें। और आई एम श्योर ये जो हमारी टीम ने इन लोगों को राउंड अप किया है इससे हम आने वाली कितनी सारी घटनाओं को रोक पाएंगे। एक्चुअली इस जो घटना थी इसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं गया था, उसके पर्स में रखा हुआ पैसा तकरीबन 2 या 3 हज़ार रुपये ही थे। इम्पॉर्टेंट ये था कि वो लूट कारित करने का आरोपी रहा था, उसने नरसिंहपुर में भी लूट कारित करी है, उसकी सिवनी की भी या सिवनी की नहीं, हटा दमोह की भी एक लूट उसके साथ में जो है वो मिला है, और साथ में हमारे संजीवनी नगर जबलपुर की भी एक लूट हमने ली है। तो आई एम श्योर ऐसे और भी जो घटनाएं आगे होती उसको इसने पुलिस ने बहुत स्ट्रांगली प्रिवेंट किया है। हाँ अभी हम लोग उसको राउंड अप किए हैं, पूछताछ कर रहे हैं और रिमांड लेकर और अन्य अपराधों की पूछताछ की कोशिश की जाएगी।